Hello everyone. Today we will start exercise 20.1. So let's start now. Question number 1. Represent the following information through a pictograph. Use a symbol to represent a certain number of items. यहाँ पे आपको क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ बनाना है. क्लास थर्ड में भी आपने सीखा था पिक्टोग्राफ बनाना. तो क्लास फोर्थ में भी आपको सेम ऐसे ही पिक्टोग्राफ आपको कॉपी में बना के रखना है. ओके, स्टार्ट. फर्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल प्लेइंग डिफरेंट गेम्स. यहाँ पे आप देखिए एक चार्ट, एक टेबल दी हुई है हमको. यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और कौन कौन से गेम्स दिए हुए हैं. हॉकी 30 दिया हुआ है, वॉलीबॉल 25 दिया हुआ है, फुटबॉल 40 दिया हुआ है, क्रिकेट 45 एंड बैडमिंटन 35. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब अपन इसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे. तो आप यहाँ पे देखिए, अब हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो 30 स्टूडेंट तो हम लिखेंगे नहीं. 30 अगर बनाएंगे स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. तो इसमें हम क्या करते हैं, अब मतलब कि एक स्टूडेंट को हम क्या मानते हैं, 5 मानते हैं. 1 स्टूडेंट को क्या मानेंगे हम, 5 मानेंगे. अब 5 मानेंगे तो आप देखिए 5 के टेबल में 30 भी आते हैं, 25 भी आते हैं, 40 भी आते हैं, 45 भी आते हैं एंड 35 भी आते हैं. ओके, तो हम 1 स्टूडेंट को क्या मानेंगे, 5 मानेंगे. सो स्टार्ट. आप देखिए यहाँ पे मैंने पिक्टोग्राफ बना के रखा हुआ है. मैंने ऊपर के लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स. यहाँ पे गेम्स के नेम दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बनाए हुए हैं. चार्ट आप देखिए कैसे बनाया हुआ है मैंने, देखा चार्ट आपने. यहाँ पे मैंने ये स्टूडेंट बनाया है. स्टूडेंट आप कैसे भी बना सकते हैं. मैंने यहाँ पे स्माइली बना दी, मतलब कि ये आपके स्टूडेंट्स हो गए. अब स्केल देखिए, 1 स्टूडेंट इक्वल टू 5. 1 स्टूडेंट को मैंने क्या माना, 5 माना है. ओके, अब हॉकी में आपके कितने स्टूडेंट हैं, हॉकी में कितने स्टूडेंट हैं आपके, 30 हैं. तो यहाँ पे देखिए आप, 30 हॉकी में 30 स्टूडेंट हैं. तो यहाँ पे आप देखिए, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हम एक को 5 मानना है तो यहाँ पे हमारे 30 के लिए कितने स्टूडेंट आएंगे. तो आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने देखिए बनाई 30 डिवाइडेड बाई 5. अब 5 की टेबल में 30 कितनी टाइम्स रीड करने में आ रहा है, 6. तो यहाँ पे हम कितने स्टूडेंट बनाएंगे, 6 बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6. 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, 5 फाइव जा 25, 5 सिक्स जा 30. ओके, 30 हो गए यहाँ पे. नेक्स्ट देखिए वॉलीबॉल में कितने हैं, वॉलीबॉल में 25. तो देखिए 25 डिवाइडेड बाय 5. अब देखिए 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, 5 फाइव जा 25. 25 हो गई है, मतलब कि हमने 5 स्टूडेंट्स बनाए तो कितने हो गए, वो 25 हो गए. अब फुटबॉल में देखिए, फुटबॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, फुटबॉल में 40 हैं. अब 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 की टेबल में 40 कितने टाइम सीट करने में आ रहा है, 8. तो यहाँ पे हम कितने स्टूडेंट बनाएंगे, 8. 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, 5 फाइव जा 25, 5 सिक्स जा 30, 5 सेवन जा 35, 5 एट जा 40. 40 हो गए, 5 एट जा 40, 8 स्टूडेंट बनाए. 1 को हम 5 मान रहे हैं ना. अब आपको क्रिकेट में कितने बनाना है, क्रिकेट में आपको बनाना है 45. तो आप यहाँ देखिए 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 नाइन जा 45. मीन्स हमको यहाँ पे कितने स्टूडेंट बनाना है, 9 बनाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एंड बैडमिंटन में कितने बनाना है आपको, बैडमिंटन में 35. 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 जा 35. यहाँ पे हम कितने स्टूडेंट बनाएंगे, 7. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ड्राइंग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है इसको भी आपको. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस हु लाइक ड्राइंग.
यहाँ पे आपके क्लासेस दी हुई हैं। क्लास फर्स्ट में आपके स्टूडेंट कितने 20 हैं, क्लास सेकंड में 42, क्लास थर्ड में 28, क्लास फोर्थ में 34, क्लास फिफ्थ में 40। अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसको हम वन स्टूडेंट को 5 नहीं मान सकते हम, बिकॉज क्योंकि हमारे 5 के टेबल में 42 नहीं आते हैं, 28 नहीं आता है, 34 नहीं आता है हमारा, तो हम 5 नहीं मानेंगे। अब 3 भी नहीं मान सकते, हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये किसकी टेबल में आते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, वन स्टूडेंट को 2 मानेंगे। ओके, देखिए हमने चार्ट बनाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ड्राइंग, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ। ओके, स्केल वन स्टूडेंट इक्वल टू 2, वन स्टूडेंट को हमने क्या माना है, 2 माना है। हमको इसका अब देखना पड़ेगा कि कितने क्या स्टूडेंट बनाना होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास फर्स्ट में आपके हैं, क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट हैं आपके 20, क्लास फर्स्ट में कितने हैं 20 हैं, 20 डिवाइडेड बाय 2 कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लास सेकंड में कितने हैं आपके 42 है, 42 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितने आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो हम 21, तो यहाँ पे हमने 21 बनाए हैं। यहाँ मैंने ऊपर बना दिए, मेरे पास यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं था, अगर आप नीचे बनाना चाहो तो नीचे भी बना सकते हैं। क्लास थर्ड में आपके हैं 28, 28 डिवाइडेड बाय 2 इसका हमने डिवाइड किया तो कितने बनेंगे स्टूडेंट, 14 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एंड क्लास फोर्थ में आपके हैं 34, अब 34 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड किया कितने बनेंगे, 17 बनेंगे। डिवाइड तो आपको आता है ना, डिवाइड करके आप देख लीजिए कितने आएगा, 17। तो क्लास फोर्थ में 17 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आप क्लास फिफ्थ में आपके हैं, क्लास फिफ्थ में आपके कितने स्टूडेंट हैं 40, तो यहाँ पे देखिए 40 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20, तो यहाँ पे हम 20 स्टूडेंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 का।